वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे भगवान गणेश जी से जुड़ी पांच अद्भुत बातें। गणेश जी के कई नाम हैं, वक्रतुंड, लंबोदर, गजानन, एकदंत, जैसे उनके विचित्र नाम है उसी तरह से उनकी काफ़ी सारे विचित्र कथाएं भी हमारे शास्त्रों में और पुराणों में मिलती है। तो इसी तरह की पांच कथा का वर्णन आज हम आपके सामने करेंगे, पांच बातें आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, गणेश पुराण के अनुसार, गणेश पुराण के अंदर जो संज्ञा होती है, संज्ञा छंद शास्त्र में आठ संज्ञा होती है और उसी आठ संज्ञा के अंदर आठ गण होते हैं। जैसे मगण, नगण, भगण, यगण, रगण, सगण, तगण और जगण, ये आठ प्रकार के गण बताए गए हैं और उसी गणों के स्वामी होने के कारण गणेश जी को गणेश की उपाधि दी गई है और ईश्वर होने के कारण उनको गणेश यानी कि गणों का स्वामी उनको कहा गया है। तो ये थी पहली बात। और उसी तरह से उनको ज्ञान और बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि वो गणों के स्वामी हैं। दूसरी बात यह है कि शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी के निर्माण का विचार उनकी दोनों सहेलियां जया और विजया ने दिया था। जया और विजया ने माता पार्वती को यह बताया था कि जिस तरह से नंदी और अन्य शिवजी के गण हैं, वो मात्र शिवजी की आज्ञा का ही पालन करते हैं, तो उनको एक ऐसे पुत्र का निर्माण करना चाहिए जो केवल उनकी ही आज्ञा का पालन करे। तो इसी विचार से सहमत हुए माता पार्वती और उन्होंने अपने शरीर के मैल को मिट्टी के साथ मिलाकर गणेश जी की रचना की। तो ये थी दूसरी बात। तीसरी बात यह है, वो भी शिव पुराण के अंदर ही संबंधित है। जब भगवान शिव जी ने, भगवान महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी को यह वरदान दिया था कि विश्व में सबसे पहले जो भी पूजा होगी, जो भी शुभ कार्य होगा या भी कोई भी युद्ध का समय होगा, कोई भी कार्य होगा, निश्चित कार्य, उसके अंदर सबसे पहले आपकी पूजा से ही सारे कार्य शुरू होंगे। लेकिन जब भगवान शिव त्रिपुर का संहार करने जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करोगे तब तक त्रिपुर का संहार आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने का विधान खुद महादेव ने ही रचा था। उसके बाद शिवजी ने भद्रकाली को बुलाया और भद्रकाली को बुलाकर गजानन का यानी कि गणेश जी का पूजन करवाया और उसी के बाद भगवान शिव ने पूरे त्रिपुर का संहार किया। तो ये थी तीसरी बात। उसके बाद एक कथा है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर मिलती है। ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, जब गणेश जी का निर्माण हो गया उसके बाद सारे देवता गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे और उसी समय शनिदेव वहां पे मस्तिष्क यानी कि अपनी दृष्टि झुकाए हुए माता पार्वती और गणेश जी के सामने खड़े हुए थे। तब माता पार्वती ने गणेश जी को माता पार्वती ने जब तब शनिदेव को ये पूछा कि आप अपनी दृष्टि झुकाए हुए क्यों खड़े हैं, तब उन्होंने ये जवाब दिया शनिदेव ने कि मेरी दृष्टि में दोष है, अगर मेरी दृष्टि गणेश जी पे पड़ गई तो हो सकता है कि उनका कुछ अहित हो। तभी ये बात करते हुए शनिदेव की दृष्टि सही में गणेश जी पे पड़ गई और इसी के बाद माना जाता है कि गणेश जी के साथ ये मस्तक कटने की घटना होना निर्धारित हो गया था और उसके बाद तो कश्यप ऋषि का श्राप भी लग गया था, तो इसी के कारण गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया था। पांचवी जो बात है उसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर दिया गया है। एक बार गंगा तट पर गणेश जी तपस्या कर रहे थे और उसी गंगा तट से तुलसी देवी वहां से गुजर रही थी। गणेश जी के रूप को देखकर तुलसी देवी उन पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो, इसलिए उन्होंने तुलसी देवी द्वारा दिए गए इस विवाह के प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया। इसी से माना जाता है कि तुलसी देवी उन पर क्रोधित हो गई और तुलसी देवी ने गणेश जी को विवाह करने का श्राप दे दिया और गणेश जी ने तुलसी देवी को एक पौधा बनने का श्राप दे दिया। इसी के कारण तुलसी देवी बाद में एक पौधा बन गई और गणेश जी को प्रजापति विश्वरूप के दो पुत्रिया सिद्धि और बुद्धि, उन दोनों से उनको विवाह करना पड़ा और उससे उनके दो पुत्र हुए जिसका नाम था क्षेत्र और लाभ। उनके पुत्र का नाम शुभलाभ नहीं था, ज्यादातर लोग शुभलाभ मानते हैं, लेकिन गणेश जी के दोनों पुत्र का नाम था क्षेत्र और लाभ। तो यही पांच बातें थी।
धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।